सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलने वाली नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा से ही आदिवासी समाज के कल्याण व उत्थान के लिए समर्पित रही है। जो आदिवासी पिछली सरकारों के कार्यकाल में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते थे, आज वो विकास की नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं। बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है और अब मोदी सरकार ने आदिवासी समाज के हित में कदम उठाते हुए 2024-25 के जनजातीय मंत्रालय के बजट को करीब 70% की वृद्धि के साथ 13,000 करोड़ कर दिया है। इसी के साथ सामाजिक व आर्थिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की, जिसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं बेहतर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसरो की मदद से वीसैट स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा जहां 2004 से 2014 के बीच केवल 90 एकलव्य स्कूल खोले गए थे, वहीं 2014 से 2022 तक 500 से अधिक एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे 1,00,000 से अधिक जनजातीय छात्र शिक्षा का लाभ भी ले रहे हैं। वहीं अब मोदी सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के तहत 6,399 करोड़ का आवंटन किया है। आदिवासी समाज के समग्र विकास की दिशा में जहां हर घर नल से जल योजना के तहत पाइप से पानी की सुविधा प्रदान की गई, तो वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में 148,00,000 से अधिक शौचालय और 2,55,000 आंगनबाड़ी स्थापित की गई। साथ ही आदिवासी व जनजातीय इलाकों से उग्रवाद समाप्त करने के लिए दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार और उल्फा के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये मोदी सरकार के दृढ़ संकल्पों और मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज आदिवासी भाई बहनों तक सरकार की हर योजना का लाभ पहुंच रहा है। साथ ही मोदी सरकार में उनकी सुरक्षा और सम्मान भी सुनिश्चित हुआ है।